अब हम करते हैं एग्जाम्पल वन. राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो इन रोस्टर फॉर्म. तो पहले x की वैल्यू निकाल देते हैं फैक्टराइजेशन करके. ठीक है, फैक्टराइजेशन के लिए आप मेरे 10th क्लास के वीडियो पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं यूट्यूब पे गणित गुरु के नाम से. गणित गुरु में आप सर्च करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप तीन मेथड आपने सीखे हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के तीन मेथड होते हैं. ठीक है, तो उसके लिए आप मेरे पुराने वीडियो देख लीजिएगा. मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और मिडल टर्म स्प्लिट. मिडल टर्म स्प्लिट ही हम यूज करेंगे क्योंकि शॉर्टकट है. करते हैं इसको. तो यह है एग्जाम्पल वन. इसकी इक्वेशन में लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो. ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट में करते क्या है, देखो पहले इसके कोफिशिएंट जो है ना वो लिख लेते हैं. ये वन एक्स स्क्वायर है, वन एक्स है, माइनस टू है. ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, अब अगर आप कंपेयर करो तो यहां पे ए क्या है वन, बी क्या है वन और सी क्या है माइनस टू. ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट में हम करते क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे ए सी का. तो ए सी क्या आ रहा है हमारे पास प्रोडक्ट, और वो क्या है वन इंटू माइनस टू, तो ये माइनस टू आ रहा. उसके बाद में हम लेंगे मिडिल टर्म. मिडिल टर्म क्या है बी, तो हम इसको लिखेंगे बी को सम, वो क्या है वन. ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट के अंदर हम कर क्या रहे हैं, हम अपनी मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं. ठीक है, ये सब 10th क्लास की बातें हैं, मैं वापस बता रहा हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए. बाकी यहाँ पे तो डायरेक्ट हम फैक्टराइज करके हम उसको निकाल सकते हैं. तो ऐसे दो नंबर एज्यूम करो जिसको मल्टीप्लाई करने पर माइनस टू आए, प्रोडक्ट माइनस टू और एड करने पर वन आए. तो भाई सीधी सी बात है, अगर मैं 2 इंटू वन करूँ, 2 वन या 2, तो प्लस 2 और 1 नहीं हो रहा, प्रोडक्ट तो हो रहा 2 और सम हो रहा. माइनस 2 प्लस 1 करूँ तो माइनस 2 प्लस 1 नेगेटिव आ रहा है, माइनस 1 सम माइनस 1 नहीं होगा. ठीक है, प्रोडक्ट हो रहा. अच्छा, माइनस 1 और प्लस का 2 करूँ तो 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 करने पर सम 1 आ रहा है, प्रोडक्ट क्या आ रहा है माइनस 2. तो हम कह सकते हैं कि 2 और माइनस 1 क्या है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. मतलब इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा. तो इसमें क्या लगा दो, इसमें x लगा दो, इसमें भी x लगा दो. ये हमारी मिडिल टर्म ब्रेक हो गई. ठीक है, अब ये माइनस 2 हो गया इक्वल टू 0 और x स्क्वायर की जगह. अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x बाहर ले लिया, अंदर बच गया x प्लस 2. इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 1, तो अंदर बच गया x प्लस 2. अब क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2, x प्लस 2 बाहर ले लिया और x माइनस 1 इक्वल टू 0. इनको अलग अलग सॉल्व करोगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 2 और दूसरा आ जाएगा 1. ठीक है, अब देखो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ना उसको डायरेक्ट फैक्टराइज करने का तरीका क्या, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम. ठीक है, कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट माइनस टू, सम वन. माइंड में सोचा भाई ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट माइनस टू हो, सम वन हो, तो होता है प्लस टू और माइनस वन. प्लस टू, टू इंटू माइनस वन माइनस टू, टू माइनस वन इक्वल टू वन. तो ऐसे इसको लिख दिया प्लस टू माइनस वन. ठीक है, फैक्टर जस्ट उसके अपोजिट हो जाएंगे, ऐसे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. अच्छा, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो रोस्टर फॉर्म में ये हो जाएंगे माइनस टू कॉमा वन. ऐसा लिख दो या वन कॉमा माइनस टू, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया. अब करते हैं एग्जाम्पल टू.
ये गिवन है, राइट द सेट सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 45 इन द रोस्टर फॉर्म। तो ये कह रहा है एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसका स्क्वायर जो है वो 40 से छोटा है, ठीक है। ये कर लेते हैं हम यहां पर एग्जांपल 2। तो हम सारे इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, तो पॉजिटिव लेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का 2 का होगा 4, ठीक है, 3 का होगा 9 और 4 का होगा 16, 25, 6 का 36, 7 जा 49। तो देखो ये जो है ना ये नंबर ये 49 से क्या हो गया, ये 49 जो है ना ये 42 से बड़ा हो गया, ठीक है। तो अपन ये नहीं लिख सकते, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई, ठीक है। अब है एग्जांपल 3, राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट दिया हुआ है, सेट है अपने पास 1, 4, 9, 16, 25... अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। देखो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये किसी ना किसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होगा, तभी तो हम इसको प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। सेट बिल्डर में लिखने का मतलब है कि हम एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लिख रहे हैं जो इसको फॉलो हो रही है, या फिर ये क्या ये जिसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो 1 का स्क्वायर क्या हो रहा है 1 हो रहा है, 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है 4 हो रहा है, 3 का स्क्वायर क्या हो रहा है 9 हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16 हो रहा है, 5 का स्क्वायर 25 हो रहा है। तो यहाँ देखते ही पता लग रहा है कि सारे के सारे क्या है स्क्वायर है। कहाँ तक है पता नहीं भाई, कहाँ तक है चलते ही जाएंगे, और सारे के सारे नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये तो लैंग्वेज में हुआ स्टेटमेंट में। अब इसको मैं मैथमेटिकल सिंबल से करूं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर। अब एन क्या है, एन एक नंबर है जिसका स्क्वायर हो रहा है, और नंबर कौन सा वाला है, कोई इंटीजर नहीं है, ठीक है, या फिर इंटीजर नहीं है नेगेटिव का, अच्छा स्क्वायर का हमेशा। तो इसमें हम दो ऑप्शन ले सकते हैं, या तो एन नेचुरल हो क्या हम इंटीजर डाल सकते हैं इसमें, एन बिलोंग्स टू जेड नहीं डाल सकते क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन नहीं है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम एन को नेचुरल नंबर ही ले सकते हैं, जो स्मॉल नंबर जो है ना उसको नेचुरल नंबर में ले सकते हैं, क्योंकि देखो ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर है ये, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अगर यहाँ जीरो होता तो जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, और नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो हम उसको एन के जगह करते जेड भी कर सकते थे। जैसे मान लो ये ऐसा होता, ये मान लो ऐसा होता, यहाँ जीरो आ रहा ना, तो 1 किसका स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर भी है और 1 का स्क्वायर भी है, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया, और नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव भी आ गया, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इंटीजर के लिए क्या लिखते हैं जेड। तो एक नई प्रॉब्लम बना दी अपन ने। वीडियो पसंद आया तो करो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर। जितना आप शेयर करोगे उतना स्टूडेंट का फायदा होगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो सारे स्टूडेंट तक पहुँचे।